कोई मई का लाल, कोई बदमाश, कोई बुढ़ेरा, कोई सरमायादार हमारी हुक्मरान आवाम को लड़ाना चाहते हैं। हमने इस साजिश को इस मरतबा सख्ती से नाकाम बना दिया है, ये हम कभी नहीं होने देंगे। जमीनों को खराब कर बड़े बड़े सरमायेदारों को रियाज का ख्याल था कि मैं हर एक को खरीद सकता हूँ। उसने माजी में तमाम लोगों को खरीदा, वो खरीद सकता होगा चंद लोगों को। सस्ता बाजाबता आगाज करते हैं। मैं सब आपका पहले तारफ़ करा लूँ जो हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के जो अली अशरफ साहब हैं, वो यहाँ पे राय अली आफ्ताब साहब हैं जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। उनके साथ हकूक़ खल्क मूवमेंट के हैदर भट साहब एडवोकेट, वो तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ मुनीर अहमद साहब हैं, ये सिंध यूनाइटेड पार्टी कराची के प्रेसिडेंट हैं। मेरा नाम फारूक तारिक है, मेरा तल्लक हकूक़ खल्क मूवमेंट से है। और मेरे साथ जो हैं वो जगदीश आहूजा साहब हैं जो मरकज़ी नायब सदर हैं सिंध यूनाइटेड पार्टी के। और उनके साथ आगे मुख्तार मेमन साहब हैं जो मरकज़ी फिनांस सेक्रेटरी हैं सिंध यूनाइटेड पार्टी के। और उनके साथ रिवर रावी फ्रंट की जो कम्पेन चल रही है मुतहिदा किसान तहरीक के सदर हैं जनाब मुस्तफ़ा रशीद साहब जो रावी के इशू पर किसानों की तहरीक चला रहे हैं। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं चार तंजीमों के लोग, जिसमें प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव है, हकूक़ खल्क मूवमेंट है, मुतहिदा किसान जो है वो तहरीक है, और उनके साथ हैं हमारी सिंध यूनाइटेड पार्टी के साथी। पहले तो हम सिंध से आए हुए मेहमानों को खुश आमदेद कहते हैं। हमारे तीन साथी वहाँ पर खसूसी तौर पर लाहौर में आए हैं। हमें अफसोस है कि मीडिया की ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन कल हमने मुजाहरा किया था, उसका भी काफ़ी हद तक मीडिया में ब्लैकआउट हुआ है। हमें उसकी वजूहात भी समझ आती हैं, लेकिन हम अपनी जदोजहद को जारी रखेंगे और अपना मौक़िफ किसी न किसी तरीके से आवाम तक जो है वो पहुँचाते रहेंगे। तो आज का मकसद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, सिंध में इस वक्त जो मुसलसल गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और जो छापे मारे जा रहे हैं और जो लोगों को हरासा किया जा रहा है, और ये हुआ था 6 जून के वाक़े के बाद जब लाखों की तादाद में सिंधियों ने पहली दफ़ा बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ उसकी कम्पेन को जो है वो जो वो ख़रीद रहा था, कब्ज़े कर रहा था, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए बैरिया टाउन के ख़िलाफ़, ये पहला पाकिस्तान में बड़ा मुनज़्ज़म अवामी एहतजाज था जिसमें लाखों सिंधी शरीक हुए। इससे पहले कभी इतनी तादाद में लोग आए नहीं थे सिंध में कभी भी। और मलक रियाज का ख्याल था कि मैं हर एक को ख़रीद सकता हूँ। उसने माजी में तमाम लोगों को ख़रीदा, वो ख़रीद सकता होगा चंद लोगों को, लेकिन करोड़ों लोगों को तो नहीं ख़रीद सकता। और लाखों लोग तो पहुँच गए उसके दर पर उसके ख़िलाफ़, और ये होगा आइंदा भी। और हम मलक रियाज को ये बिल्कुल वाजे करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती ज़मीनों पे कब्ज़ा नहीं करने देंगे। जो नेटिव्स हैं उनका हक है ज़मीन पर अपने कंटिन्यू करना, और ये जो नए शहर बसाने के नाम पर किसानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की बात की जा रही है, ये हम नहीं होने देंगे। और इसके खिलाफ ये इत्तेहाद बनाया आज, ये सिंध और पंजाब के जो तहरीकी साथी हैं ये उनका इत्तेहाद है। आज ये सिंध में जदोजहद कर रहे हैं, हम पंजाब में जदोजहद कर रहे हैं, और हमें खुशी है कि मुस्तफ़ा रशीद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। और हम आज मुतालबा करने आए हैं, हमारे जो पांच साथी इस वक्त रिवर रावी फ्रंट की तहरीक में हिस्सा लेते हुए जिनको जेल में डाला है, वो उनकी रहाई का भी हम मुतालबा करने आए हैं। पहले ओकारे के लोगों को पकड़ा, फिर सांगले में पकड़ा, अब लाहौर में पकड़ रहे हैं, और उसके बाद अब सिंध के अंदर ये सिलसिला जारी है। हाँ, और आज हमारे जो सिंध यूनाइटेड पार्टी के जो एक मरकजी रहनमा सैयद जैन शाह, उन्होंने आज रज़ाकाराना गिरफ्तारी दी है अदालत में और कहा कि मैं ज़मानत नहीं कराऊँगा, आप मुझे दहशतगर्द साबित करें, क्योंकि ये सबसे पहले दहशतगर्दी का मुकदमा हमारे खिलाफ़ कायम करते हैं। हम अपनी ज़मीनों की मलकियत को वापस लेना चाहते हैं,
ये हमें दहशतगर्द बनाने पे तुले हुए हैं। इसका दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है? ये कोई दहशतगर्दी नहीं है, ये हकूक की आइनी जंग है। हकूक की आइनी जो है वो जदोजहद है जो इस वक्त हम कर रहे हैं। तो जैन शाह को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। ये जी एम सैयद साहब के पोते हैं, जलाल शाह के छोटे भाई हैं, और उन्होंने आज सिंध के जेलों में जो सैकड़ों कारकुन बंद हैं उनसे यकजहती के इजहार के लिए उन्होंने रजा कराना गिरफ्तारी देकर यह कहा है कि क्यादत बाहर नहीं रहेगी, क्यादत भी साथ जेलों में उनके साथ जो होगी। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। तो मैं ये मुख्तसर जो बात करने के बाद अब दावत दूंगा सिंध से आए हुए हमारे साथी जो हैं जगदीश आहूजा साहब, और उनके बाद मुस्तफ़ा रशीद साहब जो है वो बात करेंगे। जी लाहौर के मैजिस साफी हजरात, आप सबका बहुत शुक्रिया। सिंध के अंदर एक वीडियो वायरल हुई थी जब 6 जून को सिंधी कौम ने भरपूर एहतजाज किया था ज़मीनों पे कब्जे के खिलाफ, तो पंजाब से साईं फारूक तारिक साहब, जिसका नाम भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, बस वीडियो वायरल हो गई जिसमें साईं ने सिंधी कौम को सिंध के लोगों को सलाम पेश किया कि ये जो मलक रियाज है जिसने पूरी मीडिया को भी झुका दिया है, जैसे कल कोई कवरेज नहीं हुई, आज तक मीडिया में कोई मलक रियाज के खिलाफ कोई भी मुजाहरा होता है तो उसकी कोई कवरेज नहीं होती है। ये क्या सिस्टम है कि लाखों लोग जमा हो जाए लेकिन जिससे हम कौमी मीडिया कहते हैं उस पर कोई कवरेज ना हो। कल लाहौर की गलियों में, लाहौर के रास्तों पे सिंध और पंजाब के दोस्तों ने सिंध से यकजहती का इजहार किया, और सिंध से भी साईं जलाल मामू चाह जो सिंध एक्शन कमेटी के कन्वेनर हैं, सिंध यूनाइटेड पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हम तीन दोस्तों को भेजा कि हम इस यकजहती के मुजाहरे में शरीक हों। ये हमारे दोस्त हैं मुख्तार मेमन साहब जो सेंट्रल फिनांस सेक्रेटरी हैं, मुनीर नायक साहब, हम सब तीनों को स्पेशली सिंध एक्शन कमेटी ने, सिंध यूनाइटेड पार्टी ने सिंध यकजहती मुजाहरे में शरीक होने के लिए भेजा था। और लेकिन आज साईं ने बता रहा है कि वो जो शानदार कल मुजाहरा हुआ था एक नई तारीख बनी थी, और कल का जो प्रोग्राम था सारी सिंध में इतना भरपूर तरीके से वायरल हो गया है कि जितने भी एंटी पंजाब जज्बात थे, क्योंकि बहुत सारी शिकायत हैं सिंध के अंदर पंजाब से, उन शिकायत की जगह कल दोस्ती के जज्बात उभरे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और सिंध के नेशनलिस्ट जो पंजाब को हम हमेशा साम्राज्य कहते आए हैं, लेकिन हमने वाजे कर दिया जालमों के पंजाब से हमें नफरत है, मजलूमों के पंजाब से हमें मोहब्बत है, हम उसके साथ मिलते हैं। और ये देख लें, मलक रियाज पंजाबी इलीट का नुमाइंदा है, जरदारी सिंधी इलीट का नुमाइंदा है। तो जो ये जो हाकिम और हुक्मरान और इस्तेसाली क्लास है, वो सिंधी हो या पंजाबी हो, वो मिलके सिंधी अवाम का भी पंजाबी अवाम का भी इस्तेसाल कर रहे हैं। ये पैगाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी हम देना चाहते हैं कि जिस तरह सिंध में बहरिया टाउन के नाम पे सिंध की सरजमीन पे लूट खसूट हो रही है, मकामी लोगों को बेदखल किया जा रहा है, ऐसे अभी साईं ने बताया कि रावी के प्लान में लाखों एकड़ जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। तो ये जो हमारा इत्तेहाद आज बना है, मजलूमों का इत्तेहाद है जालमों के खिलाफ, महकूम लोगों का इत्तेहाद है हाकमों के खिलाफ, तो ये इब्तिदा है, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि एक बड़ी ये साजिश हो रही है कि हमारे पुरअमन एहतजाज के रास्ते बंद हो रहे हैं। जब हम लाखों लोग पुरअमन हो जाते हैं तो क्या करते हैं, एक बड़ी खतरनाक साजिश के तौर पे अपने बंदों के हाथों में, किसी के हाथ में जीएसएन का झंडा दे देते हैं, किसी के हाथ में एसयूपी का झंडा दे देते हैं, और फिर आग खुद लगवाते हैं। सबको पता है कराची में केमिकल की आग किसको लगाने आती है, केमिकल किसी सियासी पार्टी के वर्कर के पास नहीं होता है।
वो आग खुद लगाते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग मुल्क दुश्मन हैं। ये तजाद पैदा करना चाहते हैं कि देखो ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, उनके करीब मत जाओ। लेकिन सिंध यूनाइटेड पार्टी आप सबको पता है रजिस्टर्ड पार्टी है, सिंध तरक्की पसंद पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, अवामी तहरीक रजिस्टर्ड पार्टी है, बोरियत मजाहमती पार्टी है, ये सारी इलेक्टोरेट पार्टीज हैं जो हम इलेक्शन भी लड़ते हैं। तब ये उन्होंने पता है क्या अजीब मजाक बना दिया है, सारी सिंध पे एफआईआर काट दी है। एफआईआर भी कौन सी कि सारी सिंध दहशतगर्द है, सारे सिंध के कौमी वर्कर दहशतगर्द हैं। 10,000 लोगों पे एफआईआर काट के वो हर घर पे छापे मार रहे हैं, सारी सिंध को यर्गमाल बना दिया है। लेकिन जब आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये मुल्क दुश्मन हैं, ये गद्दार हैं, ये काफर हैं, ये एजेंट हैं। ये बात अभी नहीं चलेगी, ये साजिश उनकी बेनकाब करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, अपना मौकिफ रखने के लिए हम आपके पास आए हैं। और हमें उम्मीद है कि आप हमारे मौकिफ को, जो सिंध के मजलूम आवाम का भी मौकिफ है, पंजाब के मजलूम आवाम का भी मौकिफ है, बलूचिस्तान के मजलूम आवाम का भी मौकिफ है, पश्तून आवाम का भी मौकिफ है, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मुस्तफ़ा रशीद साहब जो रिवर रावी फ्रंट के किसानों की तहरीक के रहनुमा हैं, और वो बताएंगे कि किस तरह किसानों के खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं, इसके बाद आप कहाँ आएगा जी। मैं सिंध से आए हुए तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ, और आज जो आपने बात की है मैं वेलकम करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। हम एक एजेंडा रुकात के ऊपर जो पूरे पाकिस्तान में किसानों के साथ और जमींदारों के साथ और मालिकों के साथ कानून की आड़ में उनकी ज़मीनों को हड़प कर कर बड़े बड़े सरमाएदारों को देने का जो एक एजेंडा पॉइंट है, मैं सिंध के साथ। मुझे जब भी सिंध वाले बुलाएंगे मैं बगैर किसी झिझक के उसी वक्त सिंध की आवाम के साथ खड़ा होने के लिए ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार हूँ। बिल्कुल रही बात, मेरे दोस्तों ने और मीडिया ने एक बात कही कि मलिक रियाज साहब का नाम ले रहे हैं, पंजाब में सूरत-ए-हाल इससे डिफरेंट पैदा हो। रावी रिवर प्रोजेक्ट के हवाले से मैं थोड़ा सा कंसेप्ट सिंह के बाकी और आपके सामने मीडिया में क्लियर करना चाहता हूँ। रावी रिवर प्रोजेक्ट की जमीन 1,02,000 एकड़ तकरीबन जमीन अक्वायर की है, मौजूदा हुकूमत ने सेक्शन 4 लगाया, सेक्शन 4 लगाने के बाद उसमें से 40,000 जमीन का जो है वो सेक्शन 7, 6, 9, 10 यानी वो कब्जा करने की आखिरी शक्ल तैयार कर ली और वह करके मौके पे कब्जा लेने की कोशिश भी कर रही है। हाई कोर्ट के स्टे मौजूद हैं, 5 और 6 स्टे मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने अवार्ड भी उस स्टे की मौजूदगी में किया। एक पॉइंट, सेक्रेटरी हाउसिंग ने इसी हफ्ते एक लेटर जारी किया कि पंजाब की जो ग्रीन एरिया जमीन है उसके ऊपर कोई हाउसिंग स्कीम नहीं है। दूसरा, तीसरा पॉइंट इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जनाब ये जो जमीनें एक्वायर करके सिंध में तो एक मलिक रियाज साहब पैदा हो गए हैं ना, पंजाब में 15 मुख्तलिफ कब्जा माफी और बड़े बड़े बिजनेसमैन पैदा हो चुके हैं, जिसमें एक आरिफ हबीब साहब का नाम तो मंजर आम में आ चुका है, सारी दुनिया ने सुन लिया देख लिया कि उन्होंने उस स्टे की मौजूदगी में जो उन्होंने अवार्ड किया और अवार्ड के बाद जो बिड की उन्होंने उसको विन किया, और विन करने के बाद वो 2,000 जो है ना वो ठेका लेने में कामयाब हो चुका है। तो जनाब आज मैं इस मीडिया के और अपने दोस्तों की मौजूदगी में ये बात करना चाहता हूँ कि सिंध में एक मलिक रियाज है और रावी रिवर प्रोजेक्ट के ऊपर 15 ऐसे बड़े सरमाएदार, एटीएम वजीर आजम इमरान खान साहब के एटीएम 15 लोगों ने यलगार करने का प्रोग्राम बनाया है और हमारी जमीनें छीन कर
कोई माई का लाल, कोई बदमाश, कोई बुढ़ेरा, कोई सरमायादार हमारी जमीन हमसे नहीं ले सकता। कल का हमने इंतजाज किया और रात को सारी प्रेस रिलीजें हर एक अखबार को हर टीवी चैनल को भेजी गई कि शायद कोई इसके ऊपर कोई स्टोरी करेगा या कोई खबर छपेगी, लेकिन उसके ऊपर मुकम्मल ब्लैकआउट था। और उसकी वजह हमें समझ आती है कि मलक रियाज ने सिर्फ मीडिया को नहीं इस मुल्क के अंदर, और यहाँ से मीडिया से मुराद हमारी मीडिया के कारकुन नहीं, वर्कर नहीं, मीडिया मालकान है, कि सिर्फ मीडिया मालकान नहीं, यहाँ की जितने भी अदारे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो पुलिस हो, वो सिंध हुकूमत हो, वो फेडरल हुकूमत हो, वो सिक्योरिटी के अदारे हों, वो सारे के सारे हमें नजर आया है कि सिंध के अंदर इस तरह काम कर रहे हैं जिस तरह मलक रियाज के प्राइवेट गार्ड हो। और जो रावी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो रूडा के नाम पे पंजाब के अंदर जो हमारे किसान हैं उनकी जमीनों को ये जो कब्जा कर रहे हैं, और फिर स्टे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी यहाँ की नाम नेहाद ब्यूरोक्रेसी खुद करके और ऊपर से पुलिस के साथ मिलकर झूठे मुकदमे करवाती है, और इतना नालायक वो पुलिस ऑफिसर है जिसने पर्चा काटा है कि जो उसने सेक्शन उसमें लगाया, जो स्टोरी उसने मतन जो कॉन्टेंट है वो मैच नहीं करते, इससे उनकी जो मैनोरिटी है वो जाहिर होती है। किस तरह से ब्यूरोक्रेसी, ये जो हुकूमत है, ये ना अदालतों का तकद्दुस करती है, ना उनके ऑर्डर्स को मानती है, और जो लोगों की जमीनें हैं, जो उनका हकूक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज है कि किसी को भी आप उसकी जमीन से बेदखल नहीं कर सकते, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के आर्टिकल को भी तोड़ती है। तो हमने ये देखा कि जो क्रैकडाउन सिंध के अंदर हो रहा है, हम इसकी शदीद मुजामत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि फिर तमाम साथियों को गैर मशरू तरीके से रिहा किया जाए। ये जो हजार के करीब नामालूम लोगों के ऊपर मुकदमा, दस हजार के करीब लोग, यानी कि ये किस तरह से। सबसे पहले तो मैं जो साथी और इस बात की यकीन नहीं गिराता हूँ, जब जब सिंध के अंदर रियासत की जानब से, रियासी अदालत की जानब से, जब मलिक रियाज जैसे सरमायादार की जानब से सिंधी आवाम के खिलाफ मुश्किल पैदा की जाएगी, तो हम इसी जोश इसी बलबले के साथ आपके साथ बने रहेंगे, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में तलबा सिंधी साथियों के साथ यकजहती के लिए बाहर निकलेंगे और इस तहरीक को मुनज़्ज़म करेंगे जिसमें तलबा भी होंगे, किसान होंगे, मजदूर होंगे और तमाम तरह जो मजलूम कौमें हैं उनके नुमाइंदे शामिल होंगे। ये हुक्मरान आवाम को लड़ाना चाहते हैं, हमने इस साजिश को इस मरतबा सख्ती से नाकाम बना दिया है, ये हम कभी नहीं होने देंगे। दूसरी बात, तमाम साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, साफियों का शुक्रिया जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम कर रहे हैं, थैंक यू।